हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है दो आम से मैंगो फ्रूटी। दो लीटर बनाऊंगी मैंगो फ्रूटी। दोस्तों मैं यहाँ पे मैंगो ले ली हूँ। ये फलों में राजा कहलाते हैं आम। हैं आप सभी को पता है कि फलों का राजा आम। तो बहुत ही रसीले रसीले आम आ रहे हैं आज। और ये कच्चा मैंगो, कच्चा कैरी भी बोलते हैं इसको। ये देखिए बिल्कुल ताजा फ्रेश कैरी है और ये है पका आम। तो कुछ नहीं करना है, मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए ना मात्र 5 मिनट का समय लगेगा और फटाफट आप दो आम से 2 लीटर बना सकते हैं मैंगो फ्रूटी। बाजार का मैंगो फ्रूटी पीना भूल जाइएगा, जब घर पे बना के पीजिएगा, बहुत ही कम दामों में ढेर सारा। तो मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए जब भी आम ले, आप रसीले आम ले, आम को ला के धो ले और उसके बाद इसका छिलका उतारना है। छिलका उतारने के लिए ये जो पार्ट होता है ना, डंठल वाला पार्ट, थोड़ा गहरा काटे, इसमें चोंप होता है, नहीं तो गले में खराश कर देता है। और इस तरीके से इसका छिलका हम उतार लेंगे सारा मैंगो का। सोने के हर गले में कंठ पहनूंगी, 52 गज का दामन मटक के चलूंगी। आम का हम सारा गूदा निकाल लेंगे, ये देखिए। बस इसको कैसे भी आप निकाल लें। बावन गज का दामन चलूंगी। तो ये कच्चा कैरी देखिए, हम इसको भी छील के इसको भी हम काट लेते हैं। बहुत ही ताजा है कैरी। तो ये कच्चा कैरी जैसे कि 700 ग्राम के करीब आम होगा हमारा पका वाला, और ये 50 ग्राम के करीब मैं डाल रही हूँ। जैसे 1 किलो आम में आप, जैसे कि आप 1 किलो आम का फ्रूटी बना रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम 80 ग्राम ऐसी डाल सकते हैं कच्चा कैरी। जो हमारा रियल वाला फ्रूटी बाजार में उपलब्ध है उसमें बहुत ही कम मात्रा में खट्टा होता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा कंपनी को टक्कर देना है, खुद का बनाना है, खुद का पीना है है कि नहीं दोस्तों? बस यही है कि कम पैसा में आप अच्छा खासा बना सकते हैं। अपने हाथों से बनाएंगे ना, वो बनाने में खुशी मिलता है, और जो पीने में मिलता है ना अपने प्रियजनों में पिलाने में, वो बड़ा मजा आता है। कोई आया आपके घर तो दीजिए, वो पूछेंगे वाह बहुत ही अच्छा, सोचेंगे इतना सारा फ्रूटी। आप बाद में पूछिए कैसा लगा, तो आपको वाहवाही मिलेगा कि बहुत बढ़िया लगा। आप बोलिएगा ना हाँ, इतना मैं तो इतना कम खर्चा में बनाया था, फिर उनको भी आश्चर्य होगा। बातों बातों में हमारा कच्चा कैरी छील भी गया। इसका जो खुशबू आता है ना, ये बड़ा खुशबूदार होता है। इसका ना एक अलग ही खुशबू होता है कच्चा वाला। कच्चा कैरी का तो बहुत सारा चीज बनता है, शरबत बनता है, शरबत बनता है, लौंजी बनता है, अचार तो बनता ही है, अचार तो सभी को पसंद है, बहुत सारा चीज, आम पन्ना, बहुत सारे चीज, और भी आइसक्रीम भी बना सकते हैं कच्चा कैरी का, खट्टा मीठा आइसक्रीम बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही खट्टा है कैरी, मजा आता है खाने में। तो यहाँ पे दोस्तों हम कच्चा कैरी और पक्का आम काट लिए हैं। अब इसको हम ना एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीसेंगे। थोड़ा सा जरूरत पड़ने पर पानी डाल लेंगे इसमें और पीस लेते हैं। यहाँ पे हम मैंगो को बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं, बिल्कुल बारीक स्मूथ। सभी मैंगो को हम इसी तरीके से पीस के तैयार कर लेते हैं। तो अब हम चूल्हा जला लेते हैं मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी। तो चूल्हे पे मैं कढ़ाई रख लेते हैं जिसमें हम मैंगो फ्रूटी का तैयार करेंगे उसका घोल। तो ये जो पीसी हूँ मैं, ये सारा आम का पल्प इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में। तो इस मटका में मैं पानी ली हूँ, ठंडा नहीं है, ऐसी नॉर्मल पानी है। हम डाल लेते हैं इसमें 1/2 लीटर, और 2 लीटर फ्रूटी बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम 150 ग्राम चीनी लिए हैं, आप थोड़ा सा कम ज्यादा मीठा भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे, 5 से 7 मिनट तक इसे हम पकाएंगे कढ़ाई में ही। तो इसे हम देखिए 2-3 मिनट पका लिए हैं। अब इसमें हम ना थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं, इसको मिला लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है,
आप चाहे तो फूड कलर डालें, नहीं तो इसे बिना डाले भी बना सकते हैं आप। तो जैसे कि आम के कलर के ऊपर भी डिपेंड है, आम का आपका कलर कैसा है, ज्यादा डार्क पीला कलर का है तो खूब बढ़िया बनेगा। तो दोस्तों देखिए, फ्रूटी हम थोड़ा अलग तरीके से बनाए हैं इस बार, और फ्रूटी हमारा बनाया हुआ एक और तरीका, जैसे कि हम पल्प जब काटे थे ना उसी टाइम कढ़ाई में डाल के और उसको चीनी डाल के पका के और फिर उसको ठंडा करके पीस के फिर उसमें ठंडा वाटर मिलाते हैं हम। और ये वाला जो मैं फ्रूटी बना रही हूँ ये पल्प को पीस के फिर पका रही, बस इतना डिफरेंस है। तो ये वाला भी बना सकते हैं आप और वो वाला भी बना सकते हैं। वो वाला भी जस्ट लाला जी अपने चैनल पर डाले हैं, आप देख सकते हैं उनका भी। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, बढ़िया से ये खोल गया है। और शुरू में तो आपको जब इस तरीके से पकाइएगा ना तो थोड़ा सा लगेगा ना कि गांठे गांठे हो रही है अगर इस तरीके से बनाइएगा, तो बाद में जब पकने लगेगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। देखिए देख रहे हैं, और इस तरीके से ना काफी दिन तक आपका ये जो लिक्विड है वो चलेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं पक गया है एकदम बढ़िया। तो मैंगो फ्रूटी का जो बैटर था ये रेडी हो चुका है, अब इसे उतार के ठंडा करेंगे। पहले इसे हम 5-6 मिनट पका लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा मैंगो फ्रूटी का जो प्यूरी था ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम एक हांडी में ट्रांसफर करते हैं। अभी थोड़ा गर्म था मैं इसको ठंडा कर लेता, तो अब जाके ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें ना हम आइस क्यूब डालेंगे। तो देखिए हम आइस क्यूब लेके आ गए हैं, डाल लेते हैं एक प्लेट में। तो आइस क्यूब को हम धो लेते हैं, अब धोने के बाद में इस वाले हांडी में डालते जाएंगे। तो सारा आइस क्यूब हम डाल लिए हैं, अब इसको ना मिक्स कर देते हैं। तो ये जो हमारा बर्फ है वो गल जाएगा एकदम, बिल्कुल गल जाएगा। तो ये कितना ठीक है मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये अभी मोटा ही है, आप चाहें तो इसको और पतला कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, हमारा मैंगो फ्रूटी देसी स्टाइल में बना है दोस्तों। मैंगो फ्रूटी फ्लेवर जूसी, मैंगो फ्रूटी पेवर जूसी, देखिए कितना गाढ़ा है, अभी और पानी डाला जा सकता है। तो ये 2 गिलास मैंगो फ्रूटी तैयार है दोस्तों आप सभी के लिए। 1-2 लीटर का बोतल लिए हैं हम, अब इसमें भर के आपको दिखाते हैं कि ये 2 लीटर बना है कि नहीं। तो इसको बोतल को बंद कर लेते हैं, ये हमारा 2 लीटर मैंगो फ्रूटी इज रेडी। ये 2 लीटर मैंगो फ्रूटी तैयार है, अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, पी पी के खत्म कर देंगे। 1-2 दिन जाएगा क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हैं ज्यादा ज्यादा पी लेते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो भी बना कर रख सकते हैं, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम खर्चा में आप मैंगो फ्रूटी उनको दबा के पिलाएं, अपने हाथों से बना के पिलाए हैं तो और ज्यादा शुद्धता होगी। तो इसमें जैसे कि आप काला नमक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, रेगुलर नमक भी। तो 2 लीटर मैंगो फ्रूटी तैयार हो गया है दोस्तों, अब मैं भी 1 गिलास पी लेती हूँ, फिर आपको इसका स्वाद बताती हूँ कैसा लगा, क्योंकि पहले चखेंगे तभी तो पता चलेगा। गिलास तो आप लोगों को तो पहले ही चखा दिए थे, स्वाद एकदम मस्त बना है दोस्तों। आप इसमें चाहें तो 1/2 छोटा चम्मच काला नमक भी डाल सकते हैं, मैं इसमें काला नमक, रेगुलर नमक, कोई से भी नमक नहीं डाली हूँ क्योंकि घर पे बनाए हैं तो क्या ज़रूरत है ना, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा मैंगो फ्रूटी का बनाने का आइडिया बताइएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी एक नए वीडियो में, जब तक के लिए इंजॉय करें मैंगो फ्रूटी। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात हम बताना ही भूल गए, तो जैसे कि मैंगो फ्रूटी हम बनाए हैं तो इसको आप छन्नी से, बारीक छन्नी से छान भी सकते हैं, छोटे छोटे आम के जो रेशे होते हैं वो निकल जाएंगे अगर आपको पसंद नहीं है तो। वैसे तो हमको पसंद है तो मैं नहीं छानी।